नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारतीय लोकतंत्र में लोकतंत्र का पर्व चुनाव हमेशा मनाया जाता है और चुनाव साल भर चलते रहते हैं। जैसे दिसंबर 2019 में झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें विपक्ष ने सत्ताधारी पक्ष को उतारकर सत्ता पर कब्जा जमाया। अभी यही चल रहा था कि फिर नए साल 2020 के पहले महीने जनवरी में चुनाव आयोग ने फिर चुनाव कराने का ऐलान किया और ये था दिल्ली का चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 8 फरवरी को वोटिंग होगी और जनता के फैसले की गिनती 11 फरवरी को होगी। इसी के साथ दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई। लेकिन सवाल है कि हर कोई कहता है कि आचार संहिता लग गई है, अब सरकार काम नहीं करेगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आचार संहिता होती क्या है, ये क्यों लगाई जाती है और कब से कब तक लगी रहती है? तो आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब अपनी स्टोरी में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आचार संहिता क्या होती है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि चुनाव आचार संहिता होती क्या है। जब भारत आजाद हुआ तो देश में स्वतंत्र और सही चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए और चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता नियम और दिशा निर्देश का एक सेट है। इसके माध्यम से ये तय किया जाता है कि चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों को किन गतिविधियों से परहेज करना है। इसमें भाषण देने से लेकर मतदान वाले दिन, मतदान केंद्र, पोर्टफोलियो, चुनाव घोषणा पत्र, जुलूस और रैली से संबंधित नियम होते हैं। चुनाव आयोग का मकसद स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराना होता है। इसके बाद नंबर आता है कि कब से लागू होती है आचार संहिता। चुनाव आयोग की तारीख की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। दिल्ली चुनाव की बात करें तो सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही पूरी दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। अब आपके मन में एक और सवाल गूंजने लगा होगा कि आखिर ये बैन कब तक रहेगा। तो हम आपको बता दें कि आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। मतलब ये कि दिल्ली विधानसभा के वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी, इसीलिए आचार संहिता 6 जनवरी से 11 फरवरी 2020 तक लगी रहेगी। तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि कब से कब तक आचार संहिता लगी रहेगी। अब हम आपको कुछ ऐतिहासिक फैक्ट बताते चले कि आखिर चुनाव आचार संहिता पहली बार कब लगा। जी हाँ, पहली बार इसका इस्तेमाल 1960 में केरल के विधानसभा चुनावों में किया गया। नियमों का एक छोटा सा सेट तैयार करके पार्टियों को निर्देश दिया गया था कि चुनाव की घोषणा होने के बाद क्या करें और क्या ना करें। उसके बाद 1962 के लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में भी इन नियमों को बांटा गया। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे पार्टियों के बीच आचार संहिता को स्वीकार करें। इसके बाद साल 1967 के लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में भी आचार संहिता को लागू किया गया। इसके बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि आपका ये नियम ठीक नहीं। राजनीतिक पार्टियों के विरोध के बाद चुनाव आयोग ने साल 1979 में राजनीतिक पार्टियों से परामर्श के बाद आचार संहिता में एक बदलाव किया। सत्ताधारी पार्टी अपनी सत्ता और ताकत का इस्तेमाल करके अनुचित लाभ ना उठा ले, इसके लिए एक नया सेक्शन जोड़ा गया। इसके माध्यम से सत्ताधारी पार्टी के लिए कुछ सीमाएं तय की गईं। इसके बाद चुनाव आयोग ने 1991 में आचार संहिता को मजबूत बनाने के कदम उठाए और इसे फिर से जारी किया। 1991 में जिस रूप में आचार संहिता को जारी किया गया, वही कानून अब तक चल रहा है। इसके बाद अब नंबर आता है कि चुनाव आचार संहिता में क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि आचार संहिता में 8 प्रावधान किए गए हैं, जो सामान्य व्यवहार, बैठक, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान केंद्रों, पर्यवेक्षकों, सत्ताधारी पार्टी और चुनाव घोषणा पत्र से संबंधित होता है। इसके साथ ही साथ नए जमाने के साथ चलने के लिए चुनाव आयोग भी आगे आ रहा है, इसलिए चुनाव आयोग सोशल मीडिया के लिए भी कुछ नियम कानून लेकर आया है। अगर चुनाव आयोग की माने तो उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का विवरण देना होगा। सोशल मीडिया पर सभी तरह के राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पहले से सर्टिफिकेट लेना होगा। चुनाव आयोग ने गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से सभी तरह के राजनीतिक विज्ञापनों का सत्यापन करने को कहा है।
इसके साथ ही साथ विज्ञापन और उसकी सामग्री को लेकर भी शिकायत दर्ज करने के लिए गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की ओर से एक ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के पोस्टर और बैनर चुनाव आयोग की मंजूरी के बगैर गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर नहीं किया जा सकता। इसके बाद चुनाव आयोग की मंजूरी के बगैर गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर सरकारी योजनाओं के ऐसे पोस्टर और बैनरों को शेयर नहीं किया जा सकता जिनमें पीएम, सीएम या किसी मंत्री का चित्र हो। अब हम बताते हैं कि चुनाव आयोग के आचार संहिता के नियम क्या हैं। चुनाव आयोग की माने तो आचार संहिता के नियम चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या नेता नहीं कर सकता। किसी भी सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, नेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। ये तो नियम है कि क्या करना है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इसके तोड़ने पर क्या होगा। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य में सभी पार्टियां आचार संहिता का पालन करें। होता क्या है कि कई बार कोई पार्टी या उम्मीदवार इन नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। वे चुनाव जीतने के लिए अपराध का सहारा लेते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं। कई बार तो ये होता है कि वे मतदाताओं को डराते धमकाते हैं या फिर पैसा, शराब, कपड़ा और किसी अन्य चीज का लालच देते हैं और अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के उल्लंघन की कोई भी शख्स चुनाव आयोग में शिकायत कर सकता है। चुनाव आयोग उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है। उल्लंघन करने वालों को जेल तक की सजा हो सकती है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि चुनाव आचार संहिता क्या है और ये कैसे लागू होती है और इसे लागू करने का उद्देश्य क्या है। On 26th December 2019, the full commission, that is Sushil Chandraji, Ashok Lwasaji and myself, we held almost a day-long meeting with all the officials, comprising DEOs, DCPs, joint CPs, Chairman NDMC, MCD commissioners, CEO of Delhi Cantonment Board, nodal officers of various enforcement agencies attended the meeting. And Delhi Chief Electoral Officer Dr. Anveer Singh gave a presentation covering all aspects of vote preparedness. The Commission also held a separate meeting with Chief Secretary and Police Commissioner of Delhi, during which Principal Secretary Hom and other senior officers of Delhi were also present. So, this is just to bring to your kind notice that these are the preparatory steps taken by the Commission so far for the Delhi elections. Summary revision has been completed and the final publication of the electoral roll, I believe CEO Delhi has already taken a press conference today in the forenoon in this regard. Your counterparts were covering the Delhi beat. They would have covered it, but in any case, we are giving the figures with the press note. All arrangements for the final publication have been completed. Meeting of political parties and media briefing, etc., has been done at the level of CEO. There has been a net accretion of 1,87,161 electors during the service voters. I would like to report to you that, as you are aware, we have been carrying this EVP program throughout the country, electoral voter preparedness, and for Delhi, it started on 1st September and lasted till 15th October. So since there has been far more kind of door-to-door verification during this program, there has been more accretion also, and some deletion also.